अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं चिकन बारबेक्यू बनाने जा रही हूँ। ये अलग स्टाइल का है, इससे पहले भी एक बताई थी मैं, चिकन तंदूरी बारबेक्यू में था वो। तो चलिए इसकी रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बारबेक्यू के लिए ली हूँ, मैं 3 फुल चिकन है और चिकन को मैं इस तरह से कट्स लगा ली। मैम देखिए, ये इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे पूरे चिकन को, इस तरह से। तो अब मैं इसका मसाला बनाने के लिए एक दूसरा बाउल ले लेती हूँ। मैं पहले इसमें डायरेक्ट में डालेंगे हम मसाला, एक बाउल में पहले मसाला मिक्स करेंगे हम। मैं मसाला मिक्स बनाने के लिए मैं बाउल रख दी, और अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट डालेंगे हम 1 स्पून, 2, 3 और 3½। और ये है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। ये चिल्ली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 से भी थोड़ा सा कम लेंगे हम ब्लैक पेपर, चिकन मसाला ये स्पून देखिए आप, इस स्पून से हम 3 से 4 स्पून लेंगे फुल भर भर के, सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, अगर कम लगे तो फिर और डाल सकते हैं आप इसको, गरम मसाला पिसा हुआ, ये घर का गरम मसाला है, ये 1½ टीस्पून है, कश्मीरी रेड चिल्ली है ये 1 टीस्पून है। सॉस इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, और ये बारबेक्यू सॉस है 3 चिकन के हिसाब से हम 3 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डालेंगे इसमें, और ये वेनेगर है, वेनेगर 2 टेबलस्पून, नॉर्मल रेड चिल्ली सॉस है ये 1 टेबलस्पून, और ये सोया सॉस है ये भी जाएगा 1 टेबलस्पून। अब ये मसालों को हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं कलर नहीं डालूंगी, जो भी है ये नेचुरल कलर ही आएगा इसमें। ये देखिए हमारा पूरा बारबेक्यू का मसाला बनके रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कर्ड। मैं कर्ड देख के और थोड़ा ऐड कर लूंगी, क्योंकि मेरे चिकन जो है बड़ा साइज का है वो एकदम, और 100 ग्राम डाल रही हूँ इसमें, यानी कि टोटल 300 ग्राम हम इसमें कर्ड डालेंगे। तो 100 ग्राम फॉर 1 चिकन आप इस तरह से लेके चलिए। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेके, इसमें जो लम्स है ये पूरे चले जाना, ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाना। ये देखिए हमारा इसके पूरे लम्स चले गए इसमें से, और ये अच्छा मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, डालेंगे हम ऑयल 5 से 6 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम। ये देखिए हम ऑयल भी डाल दिए, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये मसाले में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह से। अब ये चिकन को लग के सोचिए आप इसका टेस्ट और कितना बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम चिकन के पीस इसमें डिप करते जाएंगे इस तरह से, अच्छा अंदर तक। और इसको एक डब्बे में हम अलग से बाउल में रखते जाएंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरह से लगा लेंगे मसाला, और इसको इस तरह से हम रखते जाएंगे। कट्स में अंदर तक आप अच्छा इसको मैरिनेट करिए। मैं ये पूरे पीसेस को मसाला लगा के आपसे मिलती हूँ।
तो ये देखिए गाइज, हम इसमें मसाला पूरा मैरिनेट करके मैं रख दी और इतना मसाला मेरे पास बचा जो कि मैं जब बारबेक्यू करूंगी तो मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये ऊपर से लगाऊंगी मैं मसाला। तो अब हम इसको जो है समा चारकोल से थोड़ा स्टीम दे लेंगे। मैं चारकोल की स्टीम इसमें दे दी मैं, माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही। और अब हम इसको मैरिनेट करके 2 to 4 hours के लिए रख देंगे। तो ये देखिए मैं चिकन के पीसेस को जैसे मैं ग्रिलिंग के लिए स्टैंड पे लगा ले रही हूँ। देखिए आप इस तरह से स्टैंड पे इसको लगा लीजिए, स्टैंड को भी आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर लीजिए पहले। और ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा। और अब मैं ये पूरे चिकन के पीसेस पे ऑयल लगा रही हूँ। चाहे तो आप उस पर बटर भी लगा सकते हैं या फिर घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब हम स्टैंड पे रख दिए इसको, माशाल्लाह से देखिए अब आप ये कैसा, इसकी तो खुशबुएं भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और इस पर भी हम इस पर ऑयल लगाते जाएंगे। ये देखिए अब इसको मैं टर्न करूँगी। ये देखिए इस तरह से हम, और जब हम इसको ग्रिल बारबेक्यू करने के टाइम पे हम आप पीसेस आगे पीछे स्टैंड को टर्न करते रहिए एक साइड से दूसरे साइड पे, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से हम चिकन जो है समय टेंडर हो जाना पूरा। ये देखिए बिल्कुल देखिए माशाल्लाह किस तरह से हुआ ये। अभी मैं आपको बताऊँगी चिकन अंदर से भी कितना सॉफ्ट हुआ ये। ये देखिए आप माशाल्लाह अंदर से भी ये चिकन अच्छे से गल गया और इतना टेस्टी बना था ये माशाल्लाह। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए मेरी इस रेसिपी को, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी मेरी ये वीडियो। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ डिश आउट करने के लिए। तो ये देखिए मेरी माशाल्लाह से मेरी रेसिपी रेडी हो गई। और ये देखिए हम अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा बनाइए। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए एकदम जूसी और ये एकदम पूरा गोश्त एकदम अच्छे से गल गया माशाल्लाह। ये देखिए आप, और ये देखिए नान। और आपको इससे ये तंदूर की रोटी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए, तो मैं इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बना। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।